चलते हैं आपको स्वप्न मेला में ले चलते हैं। पुलिस जब बिहार पुलिस प्रदर्शनी उन्होंने अपने खूबसूरती तरीके से एक अपने इन्होंने एक वहाँ पर स्टॉल किया है। हम अंदर चलते हैं आपके साथ, देख ले चारों तरफ जो पुलिसिंग का जो भी रिकवर्ड या जो भी आर्थिक अपराध से लेकर जितने जो कमजोर सेल्स कमजोर एसटी वर्ग से लेकर जो भी पुलिस की जो अपडेट जो तैयारियाँ होती हैं हम आपको बीच में लाए हैं। ये देख सकते हैं खूबसूरत ऑफिस में। हम कुछ चंद सवाल भी लोगों से पूछेंगे। हम सीधा चलते हैं आपको जो अंदर, हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से हम महिलाएं और निच्छक हमसे बात करते हैं कमजोर सेल के बारे में। सीधा मेरा इंटरव्यू सुने इनके साथ। ये जो महिला बता रही है कि जो स्वतंत्र मेला में बिहार पुलिस की तरफ से कमजोर सेल के लिए जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, इन्होंने बुकलेट भी रखा है और जो सभी को बुकलेट और सभी को ये हाथ में एक स्टॉल कर दे रही हैं ताकि प्रचार प्रसार के लिए। हमने इन मैडम एसआई के हाथ से लिया और काफ़ी दिन से चर्चा किया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि नहीं, आप हर तरह की सुविधाएँ बिहार सरकार का कमजोर सेल की कोई भी जाएंगे इस तरह के हम लेते हुए हम बताते हैं कि कोई भी बिहार का इस तरह जो मैंने किताब आपको दिखा रहे हैं इस किताब के आधार पर कमजोर कड़ी वाले एसटी वर्ग या जो भी हो इस बुकलेट से पढ़ करके अपने न्याय बिहार पुलिस के सामने मांग सकते हैं। इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हुए हम कोशिश करते दिखाएंगे कि बिहार के एसटीएफ वाले होते हैं यानी नक्सलों का जो बहुत बड़ा एक तो यहाँ पर प्रॉब्लम था, हम यहाँ भी आपको फिगर से समझाने का प्रयास करेंगे। 5 साल का फिगर है 2018-19-20-21-22-23 तक का फिगर जो दिया है। इनके सामने स्टेटमेंट बोर्ड भी है, बोर्ड के साथ साथ नीचे देख रहे हैं वहाँ पर डेपुटेशन एक पुलिस मैन से हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने जब बातचीत मैंने प्रश्न किया कि बोलिए क्या चीज़ है तो बता रहे हैं देखिए एसटीएफ है यहाँ पर या वैसे नक्सली जो लेवी लेते हैं चाहे जो नक्सल वाले क्राइम करते हैं उनको जितने जो अब तक अचीवमेंट है एडजेक्टिव है ये ऑलरेडी स्क्रीन पर रखा हुआ है। इनका दावा कि बिहार पुलिस में जो पहले जो जितना जो नक्सली घटनाएं होती थी अब लगभग 0 के बराबर है। इन्होंने भी दावा ठोका कि अब किसी तरह का कोई डर नहीं है, आराम से लोग रात में आ जा सकते हैं। लेवी के नक्सली पर काफ़ी अंकुश कर दिया गया है और अगर इस तरह से इनको बताया अनुसार ये निश्चित बधाई के पात्र हैं ये बिहार पुलिस और यहाँ के जो डीजीपी साहब उनको बधाई देते हुए इनके माध्यम से कि चलिए एक अच्छा एक व्यवस्था पुलिस बिहार पुलिस प्रदर्शनी ग्रुप में ये अपनी बातों को बता रहे हैं कि कैसे नक्सल के बारे में कितनी समस्याएं होती हैं। एक अच्छी रिपोर्टिंग हमने कोशिश किया लोकेश पांडे चैनल के सोनपुर मेला में चल करके पुलिस बिहार पुलिस प्रदर्शनी के बीच में हमने कोशिश किया आपको दिखाने के लिए कि जाने कभी अगर आप आते हैं सोनपुर मेला में जरूर आप बिहार पुलिस प्रदर्शनी देखें। इस तरह से इनसे सवाल जवाब करते हुए इन्होंने एक अपने हाथ में एक पोस्टर दिया और पोस्टर में दावा ठोका सर यहाँ जो भी है सिनॉप्सिस ग्रुप में इन्होंने दिखाया। चंद सवाल हमने पूछा कि आपको अभी की क्या स्थिति है तो बताते हैं कि नहीं अभी की स्थिति नॉर्मल है। इस तरह से सवाल जवाब करते हुए इन्होंने जो भी बताया कि कुछ जिलों के नाम भी लिया जिस जिले में सीतामढ़ी या मोतिहारी से लेकर फिर सीधे चले जाते गया शेरघाटी की तरफ जाते हैं औरंगाबाद की तरफ जाते हैं और इस तरह से बताते हुए इनका ने काफ़ी संतुष्ट प्रद हुए। इसलिए हम चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति महिला पुरुष बच्चे अगर जाते हैं सोनपुर मेला में तो बिहार पुलिस का प्रदर्शनी अवश्य देखेंगे कि बिहार पुलिस के द्वारा किस तरह से अच्छा काम अचीवमेंट कैसे एडजेक्टिव कैसे गिरफ्तारियाँ कितने जो होती हैं इसके बकायदा यहाँ पूरा फिगर दिया गया है सामने। आप भी इसके रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कोशिश की।